बचपन से लेकर अब तक हम सभी पेन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। पेन का इस्तेमाल करने के दौरान आपने देखा होगा कि बॉल पेन में ढक्कन होता है। इस ढक्कन में एक छेद जरूर होता है। जी हाँ, सभी पेनों में एक छेद जरूर होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर पेन के ढक्कन में छेद क्यों होता है? बॉल पेन के ढक्कन में छेद होने के पीछे की असली वजह बहुत कम लोगों को ही पता होती है। आइए जानते हैं कि आखिर बॉल पेन के ढक्कन में छेद क्यों होता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बॉल पेन के ढक्कन में छेद इसलिए होता है जिससे उसकी स्याही को नमी मिलती रहे और पेन अच्छे से काम करता रहे। लेकिन बॉल पेन में ढक्कन की वजह स्याही से नहीं जुड़ी होती है। बच्चे अक्सर पेन से लिखते समय पेन के ढक्कन को मुंह में डाल हैं और कभी कभी उसे गलती से निगल भी लेते हैं, जो अधिकतर समय श्वान संनली में जाकर फंस जाता है। श्वान नली में ढक्कन में छेद ना होने पर सांस का प्रवाह रुक जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी, जिससे बचाने के लिए पेन कंपनियां बॉल पेन के ढक्कन में छेद कर देती हैं, जिससे गले में फंसे होने के बाद भी सांस का प्रवाह ना रुके और पेन के ढक्कन के निकालने के लिए डॉक्टरों को थोड़ा समय मिल जाए। अमेरिका में हर साल पेन के ढक्कन को निगलने की वजह से लगभग 100 बच्चों की मौत हो जाती है। इसीलिए सुरक्षा नियमों के तहत बॉल पेन के ढक्कन में छेद बनाना अनिवार्य कर दिया गया, जिससे किसी अनहोनी की स्थिति में किसी को बचाने के लिए थोड़ा समय मिल जाए।